प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अति पवित्र नाम से आप सबों को जय मसीह कहते हैं। परमेश्वर के वचन सुनने वाले प्रत्येक परमेश्वर के भक्तगणों को भुसावर से पास्टर प्रिंस के जॉनसन और हम सब की ओर से जय मसीह कहते हैं। आज आपके साथ परमेश्वर के कलाम से कुछ बातें शेयर करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। समय गवाह है बिना जल्दी से जल्दी परमेश्वर के वचन की और ध्यान लगाना मैं चाहता हूँ। इसके आधार पर न्यायियों के पुस्तक 6:40 वचन कुछ समय के लिए हम पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। न्यायियों के पुस्तक 6:40 पद। इस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल उन ही सुख रह गए और सारे भूमि पर ओस पड़े। आज रात, आज का दिन, ये समय आपके साथ शेयर करने के लिए मैं चाहता हूँ एक छोटे से वचन है, परमेश्वर ऐसे ही किया। हम लोग एक कहानी तो जरूर सुने होंगे अलाउद्दीन और जिन्न के विषय में। उस कहानी में हम ऐसे हैं, एक जिन्न को हम देखते हैं जो मशाल से निकलते हैं और वो अलाउद्दीन जो भी बात उसे कहते हैं वो बात को वैसे के वैसे वो पूरा करते हैं। तकरीबन कलीसिये में आने वाले हरेक लोग शायद ऐसे ही कुछ बाइबल का परमेश्वर के बारे में समझ रखा है। ये बात सच है कि हमारा परमेश्वर हमारे सारे बातें सुनते हैं और परमेश्वर के वचन में भी ये बात लिखे हैं कि अगर तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, तुम ढूंढोगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, अगर तुम खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन केवल इस आयत को लेकर के एक सिद्धांत को बनाना काफ़ी नहीं रहेगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये बात बहुत ही परेशानी की, एक बड़ी मुसीबत की बात ठहरा गया है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो कई बातें परमेश्वर से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना पूरी नहीं हो जाती, जैसे वो चाहते वैसे उनके जीवन में होते नहीं और आखिरकार वो प्रार्थना से पीछे हट जाते हैं, परमेश्वर पर दोष लगाते हैं और कहते हैं कि सब झूठ है, कोई बात सच्ची नहीं है। लेकिन बात ऐसे नहीं है, परमेश्वर के वचन के अंदर अच्छी तरह से लिखा है अगर परमेश्वर हमारे लिए कुछ कार्य करना है वो कैसे होते हैं। और न्यायियों की पुस्तक जब हम पढ़ेंगे, न्यायियों की पुस्तक में बताया गया न्यायियों में से 13 न्यायियों में से सबसे ज़्यादा चर्चा किया गया 2 या 3 लोग न्यायी लोग हैं, उनमें से एक कथित व्यक्ति है जिसका नाम है गिदोन। और ये गिदोन के बारे में हम जानते हैं कि गिदोन एक साधारण से व्यक्ति रह चुके हैं और वो परमेश्वर ने उन्हें इसराइल के लोगों के ऊपर एक न्याय ठहराए जाना चाहता था। और आपको बताता हूँ, जब वो परमेश्वर ने गिदोन को प्रकट हुआ वो सचमुच में एक डरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन उसका डर उन्हें अपने मेहनत को शत्रु के हाथ में होने से रोका नहीं गया। वो इतनी इच्छुक थे कि वो कह रहा था कि चाहे कुछ भी करूं, मैं अपने मेहनत का फल मैं शत्रु के हाथ में होने नहीं दूंगा। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति उसे देख नहीं सकता था, और आपको पता था हम परमेश्वर के वचन में इसका 6:11 में लिखा है कि वो गुम्मट के पीछे रखे हुए गेहूँ को झाड़ रहा था, वो चाहता था कि मेरी मेहनत के फल में क्यों ना शत्रु के हाथ में दूँ, चाहे सारे इसराइल के लोगों की मेहनत शत्रु आकर के ले चले, लेकिन मैं अपना मेहनत का फल नहीं दूंगा। और उसे देखते हुए परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके सामने आए, उनके लिए बैठा हुआ, और आपको बताता हूँ परमेश्वर से बुलाते हैं, सुरवीर सुरमा यहोवा तेरे संग है, जबकि वह खुद एक डरे हुआ व्यक्ति था। और वह कहते परमेश्वर अगर तुम हमारे साथ हैं, संग होता है, सब क्यों होता है। और परमेश्वर ने उनको समझाने लगा और कहते हैं कि तुम इस शक्ति और सामर्थ्य के साथ चले जाना और तुम इसराइली लोगों को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ा लेगा। वो कह रहे थे तुम जब चले जाएंगे मिद्यान के लोग तुम्हारे सामने ऐसे रहेगा कि वो केवल एक साधारण व्यक्ति है और तुम उसको आराम से हरा पाएगे।
और आपको बताता हूँ कि गिदोन परमेश्वर से विनती करते हैं और उसके लिए भेंट चढ़ाते हैं, और उस रात की बात है। वर्ड्स नंबर अगर आप पढ़ेंगे, वर्ड्स नंबर 25 में लिखा है, परमेश्वर ने गिदोन के वापस कहते हैं, तुम आज रात को जाकर के अपने जवान बैल अर्थात जो दूसरा है 7 वर्ष का बैल है उसको, जो बेलीवेदी तुम्हारे पिता ने बनाई है उसे गिरा दे, और उस पर अशेरा का जो देवी है उस पर उसको काट डालकर उसको बलि चढ़ा देना। आपको बताता हूँ अभी भी गिदोन के अंदर डर है। तो बाइबल में ऐसे लिखा है कि 27 पद में लिखा है, जब गिदोन ने अपने संगत 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु उसने अपने पिता के और घराने के और नगर के लोगों को डर के मारे वो काम दिन को नहीं किया और वो रात को किया। देखिएगा मेरे संदेश यहाँ से शुरुआत है। गिदोन को परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा घर के अंदर पिताजी ने प्रतिष्ठा किया हुआ तुम्हारा जो मुहूर्त है उसको तुम्हें गिरा देना चाहिए, और वो उसके ऊपर तुम्हारे घर का जो बैल है जो 7 वर्ष का होगा जो दूसरा है, देखो परमेश्वर के ज्ञान को, देखो परमेश्वर ने सारे बातें उनको बता दी, उसी को उस पर बलि चढ़ाना होगा। गिदोन के अंदर डर है, 10 लोगों को साथ में लेकर के वो रात को वो कार्य करता है, और सुबह होकर देखा कि लोगों ने ये बात को पहचान लिया, यह कार्य सचमुच में गिदोन ने किया है, और वो कहते हैं कि उनको बाहर लाओ कि हम वो मरना चाहिए, हम उसको मार डालेंगे। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु की योजना वहाँ था, इसलिए वो परमेश्वर उसके ऊपर कुछ भी हानि होने नहीं दिया। अभी बात आगे बढ़ जाते हैं, परमेश्वर की बुलाहट को गिदोन पका करना चाहता था, और वह परमेश्वर से मांगते, प्रभु मैं आपसे मेरे ऊपर की जो बुलाहट है, और मैं जानना चाहता कि परमेश्वर तूने मुझे कहा है कि मेरे हाथों के द्वारा आप इसराइल को छुड़ाएगा, ये बात को मैं यकीन के साथ मानना चाहूँगा। तो वो परमेश्वर से कहते, प्रभु मैं एक ऊन एक कलिहान में रखूँगा, यदि केवल उस ऊन पर ओस पड़े और पूरा खेत भूमि सुखी रहेंगे तो मैं जानूँगा। सुबह का वक्त 38 पद में लिखा है, वो ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। जब उसने सुबह उठ करके जाकर देखा कि उसमें से वो ऊन को उसने दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तो एक कटोरा भर करके उसके अंदर ओस था। आप समझना चाहिए, एक बहुत लंबा बड़ा तौलिया अगर अपन रखेंगे तो भी उसमें अच्छे तरह से पानी से भिगो जाने के बाद इस तरह से पानी निकलता है, और रात भर के भी ओस पड़ने से इतने पानी नहीं होना मुश्किल है। और वो शायद अगर अपन देखे जाए तो एक ऊन की विषय करें तो जो एक नॉर्मल साइज़ का रहेगा, इतनी बड़ी मात्रा में नहीं है। तो परमेश्वर ने वो कार्य किया, और परमेश्वर से वो कह रहा है, प्रभु फिर से मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि आप मुझ पर क्रोध ना भटकें, और इस बार मैं खलिहान में ऊन रखूँगा और ऊन सुखी रहना है, भूमि पृथ्वी पूरी ओस से गिरे रहना है। और आयत जो हमने पढ़ा वैसे लिखा है, उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, उस रात परमेश्वर ने ऐसा ही किया। मेरा सवाल है, ऐसे परमेश्वर क्यों करे किसी के लिए जो बार बार परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए चाहते हैं? परमेश्वर का शब्द आखिरकार डायरेक्ट सुनने के बाद, परमेश्वर के स्वर्गदूतों को अपनी आंखों से देखने के बाद, उसके तैयार किया गया बलि वस्तु को और भोजन को अपने हाथों से स्वीकार करने के बाद भी इस प्रकार एक डरे हुए एक शक करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ऐसे क्यों करे? जवाब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ आयत पहले हमने पढ़ा था 25 पद में, जब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे घर के प्रतिष्ठा को तुम्हें गिरा देना चाहिए और तुम्हारे पिताजी के बैल को तुझे बलि चढ़ाना होगा, वो डर उसके अंदर रहने के बाद भी वो डर परमेश्वर की आज्ञा मानने से उसे रोका न गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप मुझे सुन रहे हैं, आप परमेश्वर से सवाल करते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं मिलता? शायद मैं ये नहीं कहूँगा कि पक्की बात है, शायद आपके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य इसलिए नहीं किए होंगे, शायद परमेश्वर के अनुग्रहों को अपने जीवन में आपने इसलिए प्राप्त नहीं किए होंगे क्योंकि इससे पहले परमेश्वर ने आपको प्रभु की वचनों से समझाया गया, प्रभु की बातों को समझाया गया, लेकिन आप उस वचन को लेकर चलने के लिए तैयार नहीं हुए। आप तैयार हो जाए, आप परमेश्वर की बात को मानेगा, आपकी रिक्वेस्ट को परमेश्वर वैसे ही पूरा करेगा। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा आपको अनुग्रह करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।